गैस एट 45 डिग्री सेंटीग्रेड व्हेन द गैस इज कन्फाइंड इन अ सिलेंडर एट 1.54 एटमॉस्फेयर प्रेशर। ठीक है, तो उन्हें जो प्रेशर तांके दिनों तन हिन में तांके क्वेश्चन में जो वो डेंसिटी तांके फाइंड आउट करनी है। डेंसिटी असा बराबर होंगी डेंसिटी बराबर कें भी शी घाट आई। ठीक है, डेंसिटी जो है वो बराबर होंगी मास पर यूनिट वॉल्यूम के डी इज इक्वल एम अपॉन वी। सो असें डेंसिटी ही चेतो तो फाइंड आउट कर फर्स्ट ईयर की बुक में आ पेज नंबर 85 ते एग्जाम्पल प्रॉब्लम नंबर 4.4 सेम अड़ो ही एक्सरसाइज में भी है। ठीक है, हाँ असें डेंसिटी से फाइंड आउट करनी है। ठीक, टेम्परेचर इन तको दिनों वो असेंगे इन्होंने दिनों 45 डिग्री सेंटीग्रेड असें टेम्परेचर सेंटीग्रेड्स के कन्वर्ट करो होंगे केल्विन में। सो वी विल एड 273 जैसे तुम इन में 273 45 में प्लस कद छो तो तक आंसर केल्विन में दियण तो अस आंसर जो अचो 318 केल्विन के बराबर है। ठीक है, असें क्वेश्चन में केल्विन खी हलो उन प्रेशर दिनों क्वेश्चन में गिवन जो वो 1.5480 एम है। प्रेशर जो यूनिट अस एटमॉस्फेयर होंगे। ठीक है, प्रेशर बराबर है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। अस कें भी शेयर के जोर लगे तो उन्हें जाए नंढड़ी थी वे या स्पेस को घट विलारे उनके प्रेशर चवंदी। असें गाल क्लियर थी पुट उन चे तो असो इन मैथ्स आर जो है आर गैस कॉन्स्टेंट आ। ठीक, जिनकी वैल्यू कॉन्स्टेंट होंगी 0.0821। ठीक, इनको अस यूनिट वो एटमॉस्फेयर। ठीक, इंटू DmQ माना वो जो वॉल्यूम थी वो पर मोल इंटू केल्विन। सही है, इन के हिसाब से छो तो ये अस जनरल गैस आइडियल गैस इक्वेशन में कटी पी वी इजिकल NRT में तो असें आर की वैल्यू मालूम करनी होंगी या आर जो असें हिंसर यूनिट कड़ो तो यूनिट वो कड़े तरीके से कदम तो इतने असें आर फाइंड आउट करनी NT हेडाम डिवाइड कर NT हेडाम डिवाइड करोस ही इतने कटिज अस आर जो यूनिट आयो वो इंद पी वी अपॉन RT के बराबर। ठीक है, ब्रा वी आर सेंग दैट दिस इज अ रफ वर्क मुझे तक समझाने के हिसाब से रफ वर्क कह वो। ठीक, आर जो असो यूनिट इंद प्रेशर जो यूनिट अस एटमॉस्फेयर वॉल्यूम जो यूनिट जो सो डेसीमीटर क्यूब हों या DmQ हों एन एन पी वी इजिकल NIT। ठीक है, तो हाँ एन जो यूनिट अस मोल आ टेम्परेचर जो यूनिट अस केल्विन थो। सो अस आर जो यूनिट दिनों वो काफ़ी वो तक दिनों अथन वो ATM इंटू DmQ। ठीक है, पर इत लाइन दिनी सी। ठीक है, मोल इंटू केल्विन। सही है, इनके हिं भी लिखी सकूँ था इनके हिं भी लिखी सकूँ ATM इंटू DmQ। सही, मोल मोल के मथा माइनस की निशानी केल्विन केल्विन के मथा माइनस की निशानी छो तो मथे जैसे वह तो साइन इन मथा माइनस ही अची वी। ऐसे गाल क्लियर थी, ये यूनिट अस थो आर जो थो। हाँ इन तक दिनों जो गैस आ वह मॉलिक्यूल मोलर मास तक दिनों अथन ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूल चाहे O2 मॉलिक्यूल है O2 मॉलिक्यूल है। अस मोलर मास करने पीरियोडिक टेबल में वेन्दी 16 इन जो एक ऑक्सीजन जो वेट है 2 साइन के जैसे मल्टीप्लाई कंदी तो आंसर अस 32 AM जो इंद। ठीक है, ऐसे गाल क्लियर थी, तो अस ऑक्सीजन जो मास जो कड़ियोसी वो 32 एटॉमिक मास जो यूनिट कड़ियोसी। हाँ असेंगे फाइंड आउट करनी है डी कढ़नी पर हाँ अस ही जो क्वेश्चन है यो अस गैसेस स्टेट इन अंदर अस किथे भी डेंसिटी की जो है इक्वेशन वगैरह न डी अथन। सो वी हैव टू फाइंड आउट डेंसिटी इक्वेशन असं चौस भा PV इज इक्वल है NRT के बराबर है। इसे गाल क्लियर थी बाबा चलो तुम्हें हाँ अस ये तो अचूँ तो इतने छो तो एन तो ही कौन क्वेश्चन में वो एन के लिए लिखा थी तो PV सेम रखियम आर ए टी भी सेम थी रखा नंबर ऑफ मोल्स के चेंज थी क्या छो तो मोलर मास इज गिविन हेयर। ठीक है, असा इनके क्यों तो बाबा ही जो अस थो ही बराबर एन जो वो बराबर थो स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम जे। ऐसे गाल क्लियर थी, हाँ अस अचूँ था तो नंबर ऑफ मोल्स हाँ अस अचूँ था इन तो ही जो इतने बराबर की निशानी हुई असा क्यों इनठा वन। ठीक, अस इनके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन था क्यों। ठीक, क्लास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ही छा थियो कैपिटल ही जो वी हुई इनसे मल्टीप्लाई थी PVM थियो वी यूज टू से BCM बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आवाज़ बंद करी वन खबर MR इन पास नी है ऐसा गाल क्लियर थी पुटा। ठीक है, हाँ अस क्यों जो मुख्य जो वॉल्यूम है ना हेडाम डिवाइड कर वॉल्यूम के हेडाम डिवाइड कर इतना तो वॉल्यूम कटिजी इतने मूँ बचो PM बराबर इतने MRT अपॉन वी ऐसा गाल क्लियर थी। हाँ मैं क्या जो PAM सागो ही है मास वॉल्यूम के अलग कर थी छा। ठीक, इतने इंटू RT सागो ही है ऐसा गाल क्लियर थी। मैं चवं थी पर
ही जो पी ए एम वरी सागो ही ही जो मास पर यूनिट वॉल्यूम हो तक स्टार्टिंग में बताया था माना मास पर यूनिट वॉल्यूम बराबर होंगे डेंसिटी के तो मैं इन जैसे इतने डेंसिटी थी रखा डेंसिटी अस आर टी के बराबर ऐसे गाल क्लियर थी ठीक हाँ मैं इनके क्या इन इक्वेशन के पी पी एम इज इक्वल डी आर ए टी मुझे डी फाइंड आउट करनी है तो मैं आर टी के हेडाम डिवाइड कर आर टी के हेडाम डिवाइड कर ये बई कैंसिल थी छो तो सागा ही हुआ डेंसिटी असान जी वह पी एम अपॉन आर ए टी की वैल्यू बची ऐसे गाल क्लियर तो इन तरीके से स्मॉल एम भी खत्म थी वही एन भी खत्म थी उन सिस्टम जो खत्म थे अस डेटा से वापस अची वासी हाँ इन हिसाब से प्रेशर असान घो हो 1.54 हो एम की वैल्यू कैपिटल असान 32 आर की वैल्यू अस 0.0821 हुई ए टी की वैल्यू अस घी 318 हुई इन बिन के पैं पा में मल्टीप्लाई कद इन बिन के पा में मल्टीप्लाई कद ठीक फाइनल तुम आंसर इंद वो तुम अचे तो 1.889 ठीक है ग्राम पर सही है इनके ग्राम पर डीएम क्यूब भी चई सकते तो ठीक है ग्राम छो तो डेंसिटी जो नॉर्मल असो वैल्यू आको यूनिट आसो ग्राम पर डीएम क्यूब ऐसे गाल क्लियर थी समझ में आया।